तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज चीज सामने आया है कि ये जो बजाज कंपनी है ना, तो उनके तरफ से बजाज पल्सर NS125 के भी एक जो न्यू जनरेशन वाला मॉडल है ना न्यू लुक के साथ में, तो वो अभी लॉन्च कर दिया है। और वो भी उसका जो एक शोरूम प्राइस है ना, तो वो बोला जा रहा है कि 1,05,000 रुपए। बाकी भाई वीडियो को आगे पूरा देखते रहना। तो मैं हूं कौन कौन, आप देख रहे हो कौन 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 ब्लॉग्स, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों हाल फिलहाल में भी बजाज पल्सर NS125 का भी एक जो न्यू जनरेशन वाला मॉडल है, मतलब न्यू लुक के साथ में, जैसे कि अभी आप लोग देख ही रहे होंगे, तो ये वाला जो लुक के साथ में एक जो मॉडल है NS125 का, तो वो भी लॉन्च हो गया है इसे इंडियन मार्केट के अंदर। और वैसे बजाज कंपनी की तरफ से इसका जो अभी एक शोरूम प्राइस जो रखा गया है ना, तो वो है 1,05,000 रुपीज, मतलब 1,05,000 रुपीज। बाकी तो है यही कुछ सीन है कि ये जो बजाज पल्सर की ही जो NS125 की जो न्यू जनरेशन वाला मॉडल है, तो उसके अंदर आपको मेनली तो दो तरीके का चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। एक तो भाई लुक्स में, जैसे कि देख ही रहे होंगे आपके सामने है, मतलब ये जो बाइक का लुक है ना, तो ये तो मैं बजाज पल्सर एनएस का ही जो 200 वाला मॉडल तो उसका, लेकिन है यही सेम लुक जो है, तो वो बजाज पल्सर NS125 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और उसके ही साथ एक और भी चेंजेस है जो कि है भाई एक पूरे ही तरीके से जो डिजिटल वाला मिडल कंसोल है, तो वो और उसके अंदर आपको ब्लूटूथ नेविगेशन का जो फीचर है, तो वो कुछ दिए गए हैं। बाकी है यही कुछ सीन है कि देखो दोस्तों अभी के रेट में यही बोला जा रहा है कि जो बजाज पल्सर NS125 का जो न्यू मॉडल है ना, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है जो इंजन, तो वो लगभग पहले के तरह ही है, मतलब कि एक सिंगल सिलेंडर वाला एयर कूल इंजन जो कि 125cc का है। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है ना, तो वो है ऑलमोस्ट 12 bhp वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो वो भी है ऑलमोस्ट 11 mm का जो है, तो वो ही। और इसके अलावा 5th speed का जो गियर बॉक्स है, तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा इस वाले इंजन के साथ में। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम में भाई डिस्क ब्रेक के साथ में कॉम्बाइन ब्रेकिंग सिस्टम जो है, तो वही कुछ देखने को मिलेगा। और हाँ ये भी कुछ सीन है कि जो न्यू जनरेशन वाले बजाज पल्सर NS125 का ही जो एक मॉडल है ना, तो उसके भी अंदर आपको सामने देखने को मिलने वाला है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर। और वैसे बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई बजाज पल्सर NS125 अगर लॉन्च हुआ है तो इस वाले वीडियो के अंदर मैं क्यों नहीं दिखा रहा हूं। तो बात कुछ ऐसे कि देखो दोस्तों बजाज कंपनी की तरफ से ऑफिशियली कोई भी ऐसा कुछ, मतलब उनका टीजर वीडियो जो है, तो वो सामने आया नहीं है बजाज के ही NS125 के रिलेटेड। तो इसी वजह से भाई वो जो वीडियो है तो वो आया नहीं है, तो इसी वजह से एग्जैक्ट जो मॉडल है तो वो आपको मैं इसी वीडियो के अंदर तो अभी नहीं दिखा पाया, लेकिन हाँ शोरूम के अंदर जाके कभी एक मैं दिखा दूंगा किसी एक दिन। और है न्यू बजाज पल्सर NS125 के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा जो लाइट्स का सेटअप, तो वो आपको LED के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।